बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गुड मॉर्निंग टेक न्यूज में। आज है एपिसोड 3, यानी कि आज गुड मॉर्निंग टेक न्यूज का एपिसोड 3 नंबर है और 3 है। तो मैं आप लोग बता दूं कि आज के एपिसोड में मैं आप कुछ ऐसे चुनिंदा खबर को लेकर आया हूँ जिससे इंटरेस्टिंग है आपके लिए भी, आपके बच्चों के लिए। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम है जितेंद्र दुबे और आप देख रहे हैं जे टेक्निकल। तो चलिए आज की एपिसोड गुड मॉर्निंग टेक न्यूज इस पर एपिसोड को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए कीजिए, वीडियो को लाइक करके और अपना फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में दे दीजिए कीजिए कि आपको अगर टेक न्यूज पसंद नहीं आता है तो अनलाइक भी कर दीजिएगा। अगर टेक न्यूज पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा ताकि आपकी पसंद हमारी पसंद होगी, क्योंकि आप अगर टेक न्यूज पसंद करेंगे तो मैं भी टेक न्यूज बनाना पसंद करूँगा। अगर अभी आपको टेक न्यूज पसंद नहीं आता है हमारा तो आपको अनलाइक करके कमेंट में बता दीजिएगा कि आप टेक न्यूज अच्छा नहीं दे पाते भाई, टेक न्यूज इतना बंद कर दीजिए। चलिए दोस्तों, मैं आज का तीसरा एपिसोड चालू करना चाहता हूँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आ रहे हैं सैमसंग गैलेक्सी पर से। सैमसंग गैलेक्सी अपने स्मार्टफोन को लेकर बहुत अच्छे अच्छे थी। सैमसंग गैलेक्सी ने पहले ही स्मार्टफोन लॉन्च किया हुआ था, वैसे सैमसंग गैलेक्सी ने इस एक और स्मार्टफोन लॉन्च किया है जिसका नाम है सैमसंग गैलेक्सी A30s। सैमसंग गैलेक्सी क्या है, A30s हमारे मार्केट में क्या इस वर्ष या फिर इस महीने में लॉन्च कर पाएगा? तो मैं आपकी सब्सक्रिप्शन तो इसमें आपको सैमसंग गैलेक्सी थ्री सैमसंग गैलेक्सी A30s का को 3 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ पाई 9 को लेकर के आने वाला है और उसमें आपको 5000 की बैटरी भी मिलने वाली है। तो ये आ रहा अपडेट सैमसंग गैलेक्सी A30 अपने स्मार्टफोन को लॉन्च करने की उम्मीद लगाए हुए हैं कि आप या हो सकता है सैमसंग गैलेक्सी का ए सीरीज जो आ रहा है उसमें M2S हो या फिर सैमसंग गैलेक्सी आर सीरीज को जो स्टार्टिंग आता था ओ सीरीज हो सैमसंग गैलेक्सी को लॉन्च। अभी क्लियर नहीं हो पाया है बट इसे बताया जा रहा है कि सैमसंग गैलेक्सी ए सीरीज हो सकती है, A30 सीरीज हो सकती है एस की। चलिए दोस्तों, ये थी सैमसंग गैलेक्सी। तो थे कि सैमसंग गैलेक्सी इस महीने में अपना स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है। वहीं अगले अपडेट्स लोग दोस्तों आ रहे हैं हॉनर की ओर से। तो हॉनर 9X स्मार्टफोन यानी हॉनर 9X Pro लॉन्च होने वाला है इस जुलाई के महीने में। हाँ दोस्तों, हॉनर 9 अपने स्मार्टफोन को लेकर काफ़ी प्रसिद्ध है क्योंकि हॉनर के स्मार्टफोन को भी लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। तो हॉनर ने अपने स्मार्टफोन को लेकर के बहुत मेहनत किया है इस स्मार्टफोन पर और हॉनर अपने स्मार्टफोन को लॉन्च करने वाला है दोस्तों, क्योंकि हॉनर की तरफ से एक ऐसा स्मार्टफोन है जिसमें आपने गेम के लिए बहुत स्पॉटलेस बनाया गया और इस हॉनर का नाम रखा है हॉनर 9X या होता है या फिर हॉनर 9X Pro। दोनों ये स्मार्टफोन जल्द ही लॉन्च होने वाला है अपने इंडिया में, क्योंकि इंडिया में इसी महीने में 23 जुलाई को लॉन्च होने की संभावना है कि 23 जुलाई तक में इंडिया में हॉनर 9X या 9X Pro को लॉन्च कर दिया जाएगा। चलिए दोस्तों, अगली दूसरी अपडेट की बात कर लेते हैं। तो अगली दूसरी अपडेट भी दोस्तों आ रही है, अगली दूसरी दोस्तों आ रही है हमारे सोमी की ओर से। सोमी कंपनी की, जो सोमी कौन जानता है, सोमी कंप्यूटर सोमी सम्राट कंपनी मी है और उसी को देखते हुए सोमी ने अपने अभी कुछ दिन पहले जो इवेंट लॉन्च हुआ था उसमें बताया था, मैंने वीडियो बनाया था कि 15 जुलाई 2014 से कंपनी स्टार्टिंग हुई थी सोमी की। सोमी की सब ब्रांड कंपनी रेडमी और मी भी इस कंपनी में आई हुई थी। तो सोमी जो सब ब्रांड कंपनी सब मिल करके एक इवेंट लॉन्च किया था। इवेंट में 15 जुलाई 2014 से कंपनी स्टार्ट हुई जिसकी कंपनी आए हुए 15 साल पूरे हो गए। उस सालगिरह में कंपनी ने ये डिवाइड दिया था कि कंपनी अपने स्मार्टफोन को लेकर के बहुत ही और साथ ही स्मार्टफोन को लेकर ही उस इवेंट के दौरान, उन लॉन्चिंग इवेंट के दौरान एंड उस सेलिब्रेशन दौरान के दौरान उन्होंने बताया था कि मैं अपने ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने वाला हूँ जिससे सीधे हमारे युवा वर्ग के लोगों को भी फर्क पड़ेगा और हमारे बच्चों को भी, चिल्ड्रेन लोगों को भी फर्क पड़ने वाला है उनकी कंपनी को लेकर के। तो ठीक उसी प्रकार से उस समय जैसे MI CC9 MI CC9 Pro को लॉन्च किया था उसी को देखते हुए युवा वर्ग को देखते हुए लॉन्च किया था, ठीक उसी प्रकार सोमी कंपनी ने सोचा कि अगर मैं युवा वर्ग के लिए करता हूँ तो हमारे जो बच्चे हैं उन्हें लिए सोचा। तो उन्होंने अपने सोमी कंपनी ने अपने बच्चों के लिए भी, मतलब कि इंडिया में या फिर किसी भी जनरेशन के हिसाब से उन्होंने छोटे बच्चों के लिए भी एक ऐसा प्रोडक्ट तैयार किया है जिससे आपको भी अच्छा लगेगा, क्योंकि उन्होंने बच्चों को भी साइड में अपने रख कर ही दिया है और अब उन्होंने एक ऐसा खिलौना बनाया है जिसको काफ़ी बच्चे इंटरेस्टिंग ले रहे हैं जिसका नाम है सोमी ट्रक मी। तो दोस्तों यहाँ पे आ रहा है मी ट्रक बिल्डर जो बना हुआ है सोमी की तरफ से। इसमें आप देखेंगे कि इसमें जो है
बड़े ट्रक बड़ी गाड़ियाँ होती हैं उसको डिज़ाइनिंग एंड मॉडलिंग करके दिया गया है, वो खासकर उन बच्चों के लिए जो बच्चे अभी छोटे हैं और ट्रक चलाना पसंद करते हैं। तो ये बच्चों हैं हमारे हमारे बच्चों के लिए स्वामी ने प्रस्कृत किया है अपनी ओर से कि एक ऐसा ट्रक मिनी ट्रक एंड बिल्डर को, इसमें बच्चे काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग लेंगे इस ट्रक में। तो वहीं दोस्तों इसकी कीमत की बात करें तो इसमें कीमत बताया गया उन्होंने, ज़्यादा कुछ कीमत ज़्यादा है नहीं। बच्चों के लिए आम ट्रक या फिर आम खिलौने अगर आप लेते हैं मार्केट में तो भी आपको 1000 रुपये परचेस पे करना पड़ता है। तो उसी प्रकार से सैमसंग गैलेक्सी ने भी, अरे सॉरी, यहाँ पे सोमी मी भी ने भी यही चीज़ को देते हुए उन्होंने 1199 का ये इसका इसकी कीमत रखी है मी ट्रक बिल्डर का। तो ये दोस्तों कि ये था ये सोमी की तरफ से एक बड़ी अपडेट। ये तो आज के अंतिम और लास्ट अपडेट की बात करें तो यहाँ पे अंतिम और लास्ट अपडेट आ रहा है व्हाट्सएप की तरफ से। दोस्तों यहाँ पे व्हाट्सएप की तरफ से एक ऐसा अपडेट आ रहा है कि व्हाट्सएप के आप भी यूज़र हैं, यहाँ तक कि हमारे इंडिया में कम से कम 90% लोग व्हाट्सएप चलाते हैं। तो यहाँ पे अगर आप व्हाट्सएप चलाते हो तो व्हाट्सएप में हर रोज़ हर एक नया फीचर जुड़ता है। ठीक उसी प्रकार व्हाट्सएप ने भी ही एक और नया फीचर जुड़ा है, उस फीचर्स का नाम है व्हाट्सएप QR फ्रेंड। यहाँ पे दोस्तों व्हाट्सएप ने जैसे कि इंस्टाग्राम पर QR कोडिंग था, ट्विटर पर था, पेटीएम पर सारे ऐप पर अभी तक QR कोडिंग चालू हो चुके हैं। इसी पर उसी को देखते हुए यानी कि फेसबुक के जो फेसबुक ने व्हाट्सएप को रेट पर ले लिया है, तो फेसबुक से जो फेसबुक के और व्हाट्सएप दोनों ने मिलकर के इसको व्हाट्सएप पे QR को भी चालू कर दिया है। क्योंकि QR से लोग अपने छोटे से छोटे काम को भी स्कैनिंग या QR की मदद से अच्छी तरह से काम करेंगे। तो आप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आप लोग वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और अपना फीडबैक और हमारा अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट दीजिए कि आपको क्या टेक न्यूज कैसा लगा। चलिए दोस्तों आज के बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो, जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।